बैक टू माय चैनल। तो आज है अभिषा का बर्थडे, तो हम करेंगे अभिषा का बर्थडे सेलिब्रेट। तो चलिए ब्लॉग को शुरू कर लेते हैं। ये क्या कर लिया? कौन है रे? हेलो, बस मच। हेलो, इसको तो बस अभी चॉकलेट। हैप्पी बर्थडे बाबू। खाल के टिक 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 टिक। हाँ जी, हाँ जी। और तुम खड़े हो जाओ, खड़े लगा लगा दे, बर्थडे लगा दे, लगा दो। हाँ जी लगा दो।
गाइस, मेरी ससुराल में करवा चौथ से एक दिन पहले रात को हम लोग जो दूध के आप सेवैयाँ बोल सकते हो, जवे बोल सकते हो, तो वो खाते हैं, वो शुभ माना जाता है। तो मैं यहाँ पर खा रही हूँ ये थोड़े से, क्योंकि अभी मैंने डिनर किया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये? देखो ठंड लग गई ना। क्या खा रहे हो? चिज्जी। किसने दी चिज्जी? बिट्टू किसने दी चिज्जी? मम्मा ने। खा लो। हाय बोलो। हाय डग्गू। हाय खा लो। आप खा लो, ये कह रहे हैं आप ही खा लो अभिषा। मम चुप। डग्गू बर्थडे किसका है? बर्थडे किसका है? बर्थडे किसका बर्थडे है? कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहे हो? दिखाना आई कार्ड, दिखाओ अपना आई कार्ड। कहाँ है आई कार्ड? आई कार्ड कहाँ है? ये किसका है? ये आपका? दिखाना आपका है। कहाँ जा रहे हो? अब हम जा रहे हैं बेटा। बाय कर दो। बाय बाय कर दे। टाटा। गिर गए मेरे। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आज करवा चौथ है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स जो भी करवा चौथ का फास्ट रखने वाले हैं। मेरी यही मतलब कोच है, मैं कहूंगी कि जितनी भी सुहागने हैं वो हमेशा सुहागनी रहें। एक्चुअली कल था विशा का बर्थडे और मैं उसका एंड ठीक से कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। डार्क हो गई है मेहंदी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि दो मिनट आपसे बात कर लूं, क्योंकि कल बिल्कुल बात नहीं कर पाई मैं। तो आज मेरा दूसरा व्लॉग आने वाला है, तो अभी मैं इसको एंड कर देती हूँ, जल्दी से इसको अपलोड कर दूंगी, देन फिर दूसरा व्लॉग भी आएगा शाम को, करवा चौथ व्लॉग। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इतनी सारी विशेज दी हैं आप लोगों ने, आप लोगों के लिए ये विश इम्पोर्टेंट है, ये आपने दिखाया, आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, बस थैंक यू सो मच। आप इतनी ज्यादा मतलब आपने विशेज दी मेरी बेटी को, तो थैंक यू सो मच। और बस मेरे पास शब्द नहीं है आपको कैसे थैंक यू बोलूं। इतने लोगों ने यू नो मैसेजेस किए, इतने लोगों ने कमेंट की और उसे इतनी सारी दुआएं दी, तो थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है, बिकॉज शी इज माई एवरीथिंग, एंड आप लोगों ने भी उसे इतना प्यार दिया, सो अगेन थैंक यू सो मच। बात नहीं करा पाई क्योंकि कल बहुत ज्यादा हम लोग बिजी हो गए थे, पहले वो बर्थडे सेलिब्रेशन, देन खाना वाना, और मैं ठीक से वीडियो भी मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस मोमेंट को जीना चाहती थी। मैं ये रिकॉर्ड विकॉर्ड के चक्कर में थोड़ा मतलब उस पल को इंजॉय करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ज्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं की हैं। और आज आने वाला है मेरा करवा चौथ व्लॉग, पूरे दिन मैंने क्या क्या किया है तो मिस मत करना। एंड इसमें चंपी की हुई है, तो ये मैंने हेयर वॉश नहीं किया है, ये अभी हेयर वॉश नहीं किया है, ये ऑयल है। तो मैं अभी बजने वाले हैं 10:45 के आसपास हो रहा है टाइम, तो मैं अभी नहीं नहीं हूँ, क्योंकि नहीं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हम बिना नहाए चाय पी सकते हैं, और नहाने के बाद जब तक हम कहानी नहीं सुनते हैं तब तक हम चाय वाय कुछ नहीं पी सकते, और अभी हम पानी भी पी सकते हैं, तो नहाने के बाद पानी भी बंद हो जाएगा भाई, तो इसलिए मैं अभी नहीं नहाई हूँ। मैं नहाने वाली हूँ 10:30 या 11 बजे, क्योंकि मुझे जाना है कॉलेज, तो मुझे उससे पहले कहानी वगैरह सुन के और कॉलेज निकलना है। तो चलिए वो व्लॉग आपके दूसरी वीडियो में मेरा आएगा ही, शाम को आने वाला है। तो इस वीडियो में, इस व्लॉग में
तो गाइज इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे शाम को करवा चौथ व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव।